अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल काशिफ मोटर के नाम से। तो आज एक और गाड़ी का रिव्यू, बल्कि डिफरेंस दो गाड़ियों का लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो यार ये तो उतार दें, ये मार्क्स मैंने इसलिए लगाया हुआ था ताकि वीडियो के साथ साथ लोगों को ये भी बता दिया जाए कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और कोरोना हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं आज आपको स्पॉटेज, जो कि किया का ब्रांड रिसेंटली पाकिस्तान में बड़ा मकबूल होता जा रहा है, उसकी ऑल व्हील ड्राइव, उसमें एक वेरिएंट है, एक टू व्हील ड्राइव वेरिएंट है, फ्रंट व्हील और ऑल व्हील, उन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन डिटेल के साथ आज बताने जा रहा हूँ, दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर अभी तक मेरा आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो आपके सामने। ये एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट किया कंपनी ने जो रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, किया स्पॉटेज, मशहूर ज़माना, आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के रोड्स पे आपको नज़र आ रहा है। तो आज इसमें जो दो वेरिएंट पाकिस्तान में जो किया लकी मोटर की तरफ से लॉन्च किए गए, उनकी डिटेल रिव्यू लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ आज। इसमें जो जो डिफरेंस हैं दोनों गाड़ियों में, टू व्हील ड्राइव जिसको फ्रंट व्हील ड्राइव भी कहते हैं, और उसके अलावा एक फोर व्हील ड्राइव है जिसे ऑल व्हील ड्राइव भी बोलते हैं, तो उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आज वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले दोनों फेंडर के ऊपर ऑल व्हील ड्राइव जो है उसका आपको लिखा हुआ मिलेगा AWD, सबसे पहली निशानी तो यही है इनमें। बाकी ओवरऑल गाड़ी बाहर से देखेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ लगेगी, उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको। जैसे ही गाड़ी के अंदर इंटीरियर के अंदर कुछ चीज़ों का डिफरेंस है तो वो आपको आज इस वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। फ्रंट से बैक से सेम एज इट इज़ है, बाहर से भी गाड़ी सेम एज इट इज़ है, छत भी सनरूफ भी एक जैसा है दोनों का, कोई भी बाहर से फ़र्क नहीं है सवाए के वो आपका AW लिखा हुआ है ऑल व्हील के अंदर, और दूसरे का फेंडर ये आपके सामने है। इसके फेंडर के ऊपर टू व्हील वाले के ऊपर, फ्रंट व्हील वाली जो गाड़ी है उसके ऊपर फेंडर पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, फेंडर खाली होगा दोनों फेंडर। तो ये ऑल व्हील ड्राइव लिखा हुआ है ऑल व्हील ड्राइव के गाड़ी के दोनों फेंडर के ऊपर। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा डिफरेंस आपको बताते हैं। दूसरा डिफरेंस इसके, आप जैसे दरवाजे खोलते हैं तो दरवाजे के अंदर ये आपको ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ये आपको फ्रंट व्हील ड्राइव दिखा रहे हैं। इसके अंदर आप देखें पीछे वो प्लास्टिक की बॉडी मिलेगी आपको, जहाँ पे ये सारी सारा सिस्टम लगा हुआ है, पावर विंडो, पावर सेंटर लॉकिंग वगैरह का। और इसके पीछे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक बॉडी है, और ये आपको जो सामने है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपको लेदर में मिलेगा। और इसी तरह मैं आपको अभी ऑल व्हील ड्राइव का भी दिखाता हूँ। इसमें ये लेदर है और वो पीछे प्लास्टिक है। ऑल व्हील में हम देखते हैं ऑल व्हील की सीट का डिफरेंस है, ये आपको टू व्हील की सीट नज़र आ रही है जो कि सिंपल सीट है, और ये देखें बिल्कुल सिंपल है, जो इस पर जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल सिंपल है। और उसको आपको दूसरा जो है ऑल व्हील ड्राइव की सीट्स का डिफरेंस है, उसमें आपको ये ऑल व्हील ड्राइव की सीट्स है, इसमें आपको ये लेदर की सीट मिल रही है। मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वो आपको देखें, इस कपड़े का भी फ़र्क है, डिज़ाइनिंग का भी फ़र्क है। और दूसरा डिफरेंस हो गया ये आपकी सीट्स का, जो मैंने बड़ी डीपली आपको दिखा दी हैं। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको लेदर सीट्स मिल रही हैं और उस पर कपड़े का डिज़ाइन का डिफरेंस है। ऑल व्हील फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर आपको मिल जाएंगी सिंपल कपड़े वाली सीट्स, उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंस है। तीसरी चीज़ इसमें जो सीट है इसकी
फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ये आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे, और ये हाइट भी इसकी मेंटेन करनी पड़ेगी, वो मैनुअल ही करेंगे आप इसको। और उसके साथ आपको जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसकी ड्राइवर साइड वाली जो सीट है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस पे ये टोटल बटन दिए हुए हैं आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे, और इसका ये लंबर ऑप्शन ऑन करना, तो वो भी आप इसको बटन क्लिक करेंगे तो इससे आप ऑपरेट कर सकेंगे। मतलब ये ऑटोमेटिक पावर सीट्स दी हुई हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है सीट्स। उसके बाद ये तीन डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस आपको बताते हैं कि इसकी जो बैक डिगी है, ट्रंक इसको कहते हैं, वो ऑटोमेटिक ओपन होता है वन क्लिक पे, ऑल व्हील ड्राइव का वन क्लिक पे ओपन होता है। और इस पे स्पेयर व्हील जो आपको मिलेगा वो भी अलॉय रिम के अंदर मिलेगा। ये फ्रंट व्हील है और इस पे अलॉय रिम मिलेगा आपको। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको ये स्पेयर व्हील भी अलॉय रिम में मिलेगा, और पुश बटन के साथ आप इसको बंद भी कर सकते हैं, बैक ट्रंक जो बैक डिगी है इसका वो बंद कर सकते हैं। अब वन टाइम प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली पूरी ऊपर, तो उसके बाद बंद करने के लिए भी आप बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये दूसरी मैंने आपको दिखाई है, ये है टू व्हील ड्राइव। टू व्हील ड्राइव के साथ आपको ये मिलेगा स्टील रिम मिलेगा, अलॉय रिम इस पर नहीं दिया गया। ये भी एक डिफरेंस है दोनों गाड़ी के अंदर। और इसकी जो डिगी है वो भी आपको मैन्युअली खुद ही बंद करनी पड़ेगी, खोलनी भी खुद ही पड़ेगी सारी ऊपर तक। और ये देखें, यहाँ पे बटन की जगह खाली है, तो ये मैन्युअली खोलनी पड़ेगी और मैन्युअली ही खुद ही बंद करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक का डिफरेंस है, ये मैनुअल मतलब जो टू व्हील ड्राइव है उसका। अंदर से आपको मैं ये गियर बॉक्स दिखा रहा हूँ सारा। ये आप इसमें ऑप्शन देख रहे हैं लॉक मोड का, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, टू व्हील ड्राइव से फोर व्हील ड्राइव पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये फोर व्हील ड्राइव जिसको ऑल व्हील ड्राइव भी कहते हैं, ये उसका इंटीरियर, अंदर से आपको मैं गियर बॉक्स दिखा रहा हूँ डीपली। उसके बाद ये आ जाए, ये फोर व्हील ड्राइव के अंदर जो फोर व्हील का फंक्शन लगा हुआ है, नीचे पीछे वाले दो टायरों के सेंटर में लगा होता है, तो वो भी मैंने कहा आपको दिखा दें। ये भी डिफरेंस है उसका फोर व्हील और टू व्हील का, इसके नीचे टू व्हील में सारे ये फंक्शन ऑपरेशन नीचे लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस सेम एज इट इज़ टू व्हील ड्राइव। ये टू व्हील का आपके सामने यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है, वो पूरा जो फंक्शन था इसके अंदर नहीं है। उसमें एक और चीज़ आपको बताऊँ, अच्छा जी, इस पे एक लास्ट डिफरेंस और है इन दोनों गाड़ियों में, ऑल व्हील में और टू व्हील में। ये आपको टू व्हील गाड़ी दिखा रहा हूँ मैं, इसके फ्रंट पे किसी किस्म का कोई भी सेंसर नहीं है, पार्किंग सेंसर। और इसके बैक साइड पे देखेंगे तो ये देखें, आपको एक पार्किंग सेंसर मिलेगा, यानी कि टू व्हील के अंदर बैक और फ्रंट पे दो सेंसर नहीं है, पार्किंग सेंसर एक है सिर्फ। और अभी ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव जिसको कहते हैं, ये इसके बैक साइड पे भी सेंसर अवेलेबल है, पार्किंग सेंसर। और इसके आपको फ्रंट साइड पे मैं दिखाता हूँ, ये इसके फ्रंट साइड पे भी सेंसर, पार्किंग सेंसर मौजूद है। ला